सेक्टर 10 सेक्टर 10 मैं साथ में रहता था, बहुत बहुत साल तक रहा हूँ वहाँ। आज ही पता लगा सर मुझे। हाँ मैं वहाँ रहता था। जी सर, सर बहुत आपके यहाँ पे सर बहुत आपकी सपोर्ट करने वाले लोग सर यहाँ पे आपको देखना चाहते हैं सर लोग। अच्छा ये बताओ भाई, आप तो 10वीं में टॉपर थे तो पक्का घर में तैयारी होगी, 12 में भी टॉपर करेंगे, अब एग्जाम ही चली गई तो आपका तो सारा रुक गया। सर वही मैं बता रहा था, अपेक्षा है लोगों की, पर मुझे अच्छा लगा सर क्योंकि मतलब अगर मैं परीक्षा देता तो वो प्रेशर बढ़ता जा रहा था, एक सैचुएशन पॉइंट रीच हो चुका था और हम देख रहे थे कि इतना सेफ भी नहीं है और आपने बिल्कुल समय से इतना बेहतरीन निर्णय ले लिया। और मैं मानता हूँ सर, जो टॉपर है जो मेहनत करता है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, तो ज्ञान हमेशा ही हमारे साथ रहता है सर। और जो निरंतर पढ़ाई करता आ रहा है, जो कंसिस्टेंट है सर, जो भी क्राइटेरिया आएगा, जो भी आप निर्णय लेंगे तो उसमें वो फिर भी अव्वल ही रहेंगे, तो उसमें उन्हें इतनी चिंता की जरूरत नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं टॉपर निराश रहेंगे, ऐसे मैं मानता हूँ कि हमने प्रोविजन रखा ही है कि हम दोबारा पेपर दे सकते हैं, तो एक बहुत ही समझा हुआ निर्णय मैं मानता हूँ और हम इसके जीवन आपके सर आभारी रहेंगे। अच्छा बच्चों, आप जब ये कुछ लोग रहते हैं बड़े, अपने आप को बड़ा बहादुर मानते हैं, बड़े पहलवान मानते हैं और कहते हैं मैं मास्क नहीं पहनूंगा, मैं ये नियम पालन करूंगा, तब आपको वो कैसा लगता है? टाइम पे डिसअपॉइंटिंग लगता है क्योंकि जो हमारी सरकार है उसने इतनी अवेयरनेस क्रिएट की है इस पेंडेमिक को लेकर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वो बहुत अवेयरनेस क्रिएट कर रही है, बट स्टिल जब लोग नहीं समझते इस बात को तब बहुत बुरा लगता है। एंड मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि हमने और हमारे लोकैलिटी में कुछ बच्चों ने तो हमने एक अवेयरनेस ड्राइव कुछ महीने पहले चलाई थी जब मन लॉक हुआ था यहाँ पे, एंड हमने जैसे लोकल डाटा किए, हमने प्रॉपर कोविड गाइडलाइन लिए, कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, मास्क पहनना एंड उसको लाइक वॉश करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आप लोग इसको फॉलो कीजिए। तो आई थिंक कि ऐसे अगर हम अपने लेवल पे भी कुछ इनिशिएटिव लें और खुद रिस्पॉन्सिबल बने तो बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। अच्छा मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लोगों ने परसों तक तो यानी 1 तारीख सुबह तक तो इस मूड में थे कि आज ये पढ़ूंगे, कल ये पढ़ेंगे, सुबह 5 बजे उठेंगे, 4 बजे उठेंगे, ये करेंगे वो के सब सोचा होगा, कई टाइम टेबल बनाया होगा, अचानक सब निकल आ एक वैक्यूम आ गया, उस वैक्यूम को नमस्कार सर, बताओ बेटे। उसके बारे में आपने बताया था तो मैं बस एक चीज कहना चाहूंगी इधर सभी से कि मैं 10वीं कक्षा में थी जब मतलब मेरी 10वीं की परीक्षा होने वाली थी और मैं ट्रैवल कर रही